दिखता है, सड़क में नाला है। अच्छा, नाला में सड़क नहीं है। अच्छा, सड़क में नाला है। अच्छा। नाराजगी उनका जो है, कोई काम से संतुष्टि लोग नहीं है, इधर विकास ही नहीं हो रहा है। ये शिवपुरी के लोग, पूरे वार्ड के 48 के लोग सब उनके खिलाफ है, कोई विकास नहीं किया। जो बिहार नगर निकाय चुनाव में पहले चरण के बाद दूसरे चरण के चुनाव में अब कम ही दिन शेष रह गया है। वहीं भागलपुर की अगर बात करें तो चुनाव की तिथि 28 दिसंबर को निर्धारित की गई है, जिसको लेकर सभी प्रत्याशी जो है चुनावी मैदान में है और प्रचार जोर शोर से जारी है। चुनावी दौरे पर हम भी हैं और भागलपुर के वार्ड संख्या 48 में हैं, जहां से हम लोगों से रूबरू होंगे और उनसे बातचीत करेंगे कि इस बार जो चुनावी मुद्दा है वो क्या होने जा रहा है, वो अपने मतों का प्रयोग किस प्रकार से करने जा रहे हैं। हमारे साथ कुछ यहाँ वार्ड के लोग हैं जिनसे हम पूछेंगे कि इस बार जो है चुनाव का क्या मुद्दा होगा। जी बताएं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवेश सिंह हुआ जी। कहाँ के रहने वाले हैं? शिवपुरी कॉलोनी। इस बार जो चुनाव का मुद्दा है वो क्या होने जा रहा है? चुनाव का मुद्दा है कि साफ सफाई हो जी, और जो है कहने का मतलब कि स्वच्छ वातावरण बने, महिला शिक्षा पे, महिला पे और जो है साफ सफाई पे, यही मेन मुद्दा है। अच्छा, ये बताएं जो निवर्तमान वार्ड पार्षद हैं, हम लोग कभी देखे ही नहीं है, हम तो अपने कॉलोनी में कभी देखे नहीं कौन पार्षद हैं। कभी नहीं देखे हैं। उनके कौन हैं, वो कौन सा है, वो नाम मैं नहीं जानता हूँ। वो आते हैं और दे दिए, इधर से उधर कर देते हैं। मैंने तो देखा ही नहीं कि कौन सा पार्षद हैं। आखिर असंतुष्टि क्यों, क्या कमी रह गई 5 साल के दरमियान? क्या सड़कें नहीं बनी या अन्य सुविधाएं जो? सड़कें नहीं बनी, सड़कें तो बनी हुई थी। हाँ, सड़कें नहीं बनी ऐसा नहीं बोल सकते, सड़कें नहीं बनी, सड़कें बनी हुई थी, लेकिन मैंने अपने इस 5 साल में पार्षद को देखा ही नहीं कि पार्षद कौन है और मेरे घर पे आई हैं या कोई समस्या है जनता के बीच में, मैंने देखा ही नहीं है। पार्षद का नाम पता है कि नहीं? पार्षद का नाम तो पता है, कल्पना। अच्छा, यदि कभी इस इलाके में आप लोगों ने नहीं देखा, इस बार चुनाव का मुद्दा क्या होगा? चुनाव का मुद्दा है कि साफ सफाई हो और स्वच्छ वातावरण, गरीब जनता को सम्मान मिले, उनका जो कष्ट है वो पूरा हो। ठीक, कुछ और लोग भी हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे। जी बताएं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पप्पू मंडल है। कहाँ के रहने वाले हैं? इसाक चक, वार्ड 48। इस बार चुनाव होने जा रहा है जी, तो जो निवर्तमान वार्ड पार्षद हैं उनके कार्यकाल से कितने संतुष्ट हैं आप? ये शिवपुरी के लोग, पूरे वार्ड के 48 के लोग सब उनके खिलाफ है, कोई विकास नहीं किया। जो भी विकास किया वो अपने क्षेत्र में विकास किया है, इधर कोई विकास नहीं किया, और वो किसी काम के लायक नहीं है, वो किसी काम के लायक नहीं है। लोग जब वहाँ पे जाते हैं काम के लिए तो शिकायत करके उसको झाड़ के गुस्सा करके भगा देते हैं। आखिर इतनी नाराज़गी क्यों है? नाराज़गी उनका जो है, कोई काम से संतुष्टि लोग नहीं है, इधर विकास ही नहीं हो रहा है, यही नाराज़गी है। क्या चाहते हैं इस बार जो चुनाव का जो मुद्दा? इस बार परिवर्तन होना चाहिए और इस बार जो है परिवर्तन होगा, परिवर्तन जब होगा तो विकास की लहर जो है दिखाई पड़ेगा। चाचा आप बताएं, चुनाव होने जा रहा है इस बार? हाँ, होने जा रहा है। इसमें जो आज तो पार्षद हमारे लोग कभी देखे भी नहीं, कोई काम आज तक नहीं किया। जितना भी स्कीम था उस सब पहले पूर्व पार्षद के समय का स्कीम था, गरीब गुरिया, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, पारिवारिक लाभ, सब उसी अति से हुआ, उनके रेजिंग में ही। इनके रेजिंग में कहीं कोई काम नहीं हुआ है, कोई काम नहीं हुआ। इधर आज तक कहीं काम नहीं हुआ। इस बार जो जनता अपने मतों का प्रयोग करेगी उसमें क्या मुद्दा रहेगा? मुद्दा जो बढ़िया जो काम करे उसको, उसके साथ हम हैं। और ठीक है, ऐसे ही और क्या, यानी बदलाव के मूड में। बदलाव के मूड में है। तो जैसा कि देखा आपने, आप सभी ने, कि लोग जो हैं वो बदलाव के मूड में हैं और ये लोग जो है निवर्तमान वार्ड पार्षद कल्पना देवी के जो है कार्यशैली से खुश नहीं है। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, हम इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? रोहित कुमार हुआ। कहाँ, यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, इसाक से, वार्ड 48 का। जो निवर्तमान पार्षद है उसके कार्यकाल से कितने संतुष्ट हैं आप? संतुष्ट नहीं है, कभी आइए शिवपुरी कॉलोनी देखिए, वीडियो बनाइए, उसके बाद मेरा इसाक चक वार्ड और तलाजी दुर्गा स्थान मिर्जा नट रोड में आइए, देखिए नाला में पाट नहीं है, अब मेन रोड से घुसिएगा तो गिर जाइएगा। मतलब नाले में सड़क है या सड़क में नाला है ये नहीं दिखता है? सड़क में नाला है। अच्छा, नाला में सड़क नहीं है। अच्छा। सड़क में नाला है। और कभी आइए तो वीडियो बना के दिखाइए।
और क्या वजह रह गई, क्या कमी रह गई जो कि साफ सफाई का? साफ सफाई तो होवे नहीं करता है। इस बार मताधिकार का प्रयोग करेंगे, क्या मुद्दा क्या रहेगा? वही हमारा जो है वार्ड अपना जो है चमके, और क्या रहेगा? यानी विकास मुद्दा रहेगा, विकास 110% मुद्दा रहेगा। तो सभी लोग जो हैं वो निवर्तमान पार्षद के कार्यकाल से असंतुष्ट हैं, और ये लोग जो है इस बार विकास के मुद्दे पर अपने मतों का प्रयोग करेंगे। लोगों का कहना था कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई विकास नहीं हुआ है, ना ही सड़कों में साफ सफाई देखने को मिली है, और ना ही जो है नाले का निर्माण ठीक तरीके से हो पाया है। खैर, यह देखने वाली बात होगी। आगे अन्य वार्डों से भी हम आपको रूबरू कराएंगे। भागलपुर से सिल्क टीवी के लिए इशुराज।